हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अनीताज रूटीन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा करते एकदम मस्त भले चंगे होंगे। और आज देखिए, आज मैं जा रही हूँ गांव। गांव की पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है और हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। इसलिए मैं खाना बनाने जा रही हूँ। अभी पैकिंग हो गया मेरा, मैं बनाने वाली हूँ रास्ते के लिए। बच्चों के लिए थोड़ा गुलाब जामुन बनाऊँगी, पूरी बनाऊँगी और छोले की भाजी और पनीर की भुर्जी। और इन लोगों को मीठा भी पसंद है, तो इसीलिए एक डिश मैं गुलाब जामुन बना के ले जाऊंगी मीठे में। ये देखिए, मेरा गुलाब जामुन लगभग रेडी हो रहा है। मैं सुबह अकेले उठी हूँ और सब तैयारी मैं अकेले की। इसके बाद बहुत टाइम के बाद मेरी बच्ची उठी, वो की नहीं तो मैं सुबह के 6 बजे से उठ के ही अपना सब देखिए बना रही हूँ। गुलाब जामुन का मटेरियल मैंने पैकेट वाला लिया था, उससे बहुत अच्छा बन गया था मेरा गुलाब जामुन जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं था इतना सारा बनाने के लिए। और ये देखिए, काफ़ी टाइम हो गया था, धूप भी काफ़ी निकल गया था और हम लोग को जल्दी जल्दी सब पैकिंग करना था। पूड़ियाँ भी बनाना था ना दोस्तों, इतना सारा, और रास्ते के लिए भी और थोड़ा नाश्ता करके भी सब जाते। इसके लिए मैं बना रही हूँ। देखिए, रस्सी सूख लिया है मेरा गुलाब जामुन, और अभी मैं पूरी बना रही हूँ और पुलाव भी बनाई थी, थोड़ा सा बिरयानी हल्का डाल के छोले के साथ खाने के लिए। और ये देखिए, मेरा छोले की भाजी भी बन के तैयार हो गई है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1.5 घंटे के अंदर में मैंने सारा खाना लगभग बना लिया था। और अभी मेरी देखिए आंचल बेटी उठी है ना, तो उसको तलना बहुत पसंद है। मैं बना रही हूँ तो वो तल रही है, तभी जल्दी भी हो जाएगा। सामान पैक हो गया है, वैसे ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग 6 लोग हैं, 20-25 दिन रहना है, तो इसके हिसाब से इसमें हम लोग 3 लोग का कपड़ा है। इसमें अनुज का खेलने का सामान है बस, और इसमें सिर्फ अंजलि का कपड़ा है, क्योंकि ये अंजलि का ही सूटकेस है। और इसके अंदर थोड़ा पापा का कपड़ा है, और इसमें खाने पीने का, इसमें मम्मी और गाँव में किसी और को कपड़े देने के लिए कपड़े, तो इतने सब सामान में बस इतने हैं। और जो खाना रखेंगे कहाँ, तो खाना इस वाले बैग में रखेंगे। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा नमकीन है, वरना इस बैग में रखेंगे। दरवाज़ा खोल देती, वरना मम्मी चल रही। हमारे सुबह सुबह उठ के गाइस बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नहा चुकी हूँ, देखिए बिस्तर फोल्ड करके रख दिया है। हम लोग बाहर निकल चुके हैं जाने के लिए। रिक्शा लगा, एक रिक्शे में सब लोग नहीं आते हैं, दो रिक्शा लगाना पड़ा यार, बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे 4 और हम 2-6 जन, तो उतना नहीं है, तो 2 रिक्शा करना पड़ा। एक रिक्शा आ गया है, इसमें सब सामान लाद रहा। अभी एक रिक्शा और आएगा, उसमें भी भरेंगे हम लोग। 2-3 दिन करके निकल जाएंगे फिर स्टेशन के लिए। ये देखिए, स्टेशन हम जा रहे हैं, आधा घंटा लगता है स्टेशन कुरला। बस हम लोग सुबह से उठी, बहुत थक गई थी, अभी हम लोग जा रहे हैं। देखिए, कुरला स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। इस समय तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं, एकदम खाली खाली लगा था, क्योंकि इस समय सीजन नहीं है ना। सब लोग शादी ब्याह था जो भी निपट गया है, अभी तो सीजन नहीं है। बच्चों लोग के स्कूल खुलने वाला है, तो इसके लिए हम लोग तो लेट जा रहे हैं। बहुत बहुत लेट हो गया हम लोग को जाने में, अब तक तो रिटर्न आना चाहिए था, अब हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस, देख सकते हैं इतना सारा सामान हमारे सीट पर लदा हुआ है। इसमें गद्दा, रजाई सब कुछ है, अभी हटाया नहीं है। हम लोग को बैठने की जगह नहीं है, एसी में आकर हम लोग बैठे नहीं हैं, अभी खड़े हैं। पूरा सामान पूरा सीट से भरा हुआ है, अभी पता नहीं कब आके लोग हटाएंगे यहाँ से। हे भगवान, अभी तो हटा हम लोग को बैठने को, सीट मिला कम से कम, आराम से बैठे भाई। बहुत प्रॉब्लम हुआ, कम से कम आधा घंटा। चिप्स ले लो। हम लोग एकदम परेशान हो गए। हमारी ट्रेन चालू हुई, बजरंगबली बाबा का नाम लिया मैंने, किसके साथ खेलूं। हमारी ट्रेन चालू हुई सही सलामत से, बजरंगबली हमें पहुंचा रही है। देखिए, इन लोग की मस्ती चल रही है, वीडियो गेम खेल रहे हैं चद्दर ओढ़ ओढ़ के। ये लोग वहाँ का चद्दर ओढ़ ही नहीं रहे थे। तो बैठा था मस्त अपना, और हम लोग अभी खाना खा रहे हैं। बहुत ठंडा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा ही एसी चालू करके रखे तो ठंडी लग रही थी हम लोग को।
मैं क्या करूँ? अरे क्या हो गया तेरे को? पैसे मैं ऊपर हूँ एकदम टॉप वाले पे। क्या खा रहे हो? लो कैमरा लो। अरे राजता लोग चूंकि स्टेशन पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं आप, ये चूंकि स्टेशन है और बहुत मुश्किल हो गया था। हमारा गाड़ी आया था घर से, परेशान हो गए इतना सामान लेके चले, थोड़ा मच मच हो गया था वहाँ पे। आ जाएगी ना यही से ज़्यादा आधा घंटा इसी में गया। निकले सामान वामान हमारा सामान जाओ ना बोल के। पर्पल वाला बैग चुके हैं। खाओ खाओ बस बस बस।